हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम जा रहे हैं शादी ब्याह के उर्स में पीलीभीत, और लेट जा रहे हैं हम क्योंकि पुल वगैरह तो हो गया है और हम लेट जा रहे हैं। ईद तक जो है वो मेला लगा रहता है शादी ब्याह का, तो इस वजह से आज हम जा रहे हैं ईद से 2 दिन पहले। स्टेशन पर हम पहुँच गए हैं यहाँ पर, तो स्टेशन में थोड़ी देर तक हम वेट करेंगे ट्रेन का। और टनकपुर से जो है वो मेरी खाला लोग भी आने वाले हैं, तो हम सीधे जो है वो साथ में ही जाएंगे। और यहाँ देखिए मैं बैठी पड़ी हूँ, ट्रेन का वेट कर रहे हैं हम लोग। मम्मी पापा बात कर रहे हैं और मैं साइड पे बैठी पड़ी हूँ। ये मेरा बैग है जिसमें मैंने अपने थोड़े बहुत जो है वो कपड़े रख लिए हैं। और ये टिकट देखिए, और फिर हम जाएंगे। टिकट ये आ गया है, और देखिए जाने के लिए तो हम कब से कर रहे थे कि हम जाएंगे जाएंगे, लेकिन कल कल होता जा रहा था, ये होता जा रहा था कि हम कल जाएंगे परसों जाएंगे, पर हो नहीं पा रहा था। तो इस वजह से अब सीधे हम ईद से 2 दिन पहले हमने कहा चलो चलते ही हैं हम। और यहाँ ट्रेन में बैठे हैं, और ट्रेन से देखिए इतना प्यारा व्यू आता है ना, जो खेत। और यहाँ हम पहुँच गए थे पीलीभीत, बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। रात में पहुँचे थे क्योंकि शाम वाली ट्रेन से ही हम गए थे, जो 6:30 पे ट्रेन जाती है ना उसी से हम गए थे। तो 8:30 के आसपास हम लोग पीलीभीत पहुँचे थे, वहाँ थोड़ी देर बैठे, उसके बाद फिर हम खाना पीना खा के हम निकल गए थे मेले के लिए। तो मेले के लिए हम चले गए थे जिस दिन हम गए थे। मैं क्या वैसे घूमने को नहीं मिलता, जिस दिन मैं रात है तो रात में भी क्या मेला तो चलता रहता ना, तो उससे आज ही चलते हैं। लेकिन तब भी ये हुआ था कि हम मजार शरीफ के अंदर नहीं जा पाए थे क्योंकि रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, 10:30-10:30 बजे हम मेले में गए थे। और उस टाइम तक मजार शरीफ जो है वो बंद हो गए थे, उसके गेट जो है वो बंद हो गए थे। बस खाली हमने मेला घूमा, बाकी ये हम मजार शरीफ के अंदर हम दूसरे दिन गए। इतनी सारी दुकानें मेले में लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा। आधा मेला तो हमेशा ऐसा होता है ना कि मैं जब भी जाती हूँ आधा मेला घूमती हूँ आधा नहीं घूमती हूँ, क्योंकि आधे मेले में घूम घूम के ही पैरों में दर्द हो जाता है। फिर बाद में सब लोग बोलने लगते हैं कि चलो अब घर चलते हैं, और दूसरे दिन भी आते हैं तब भी ऐसे ही होता है, फिर आधा ही घूम पाते हैं, पूरा कभी घूम ही नहीं पाते क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। हम लास्ट दिन आए थे इस वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं थी, वरना तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मेले में। और ये देखिए कितना अच्छा अच्छा सामान मिला था, यहाँ सेल भी लगी थी। ये वाली जो सेल देख सकते हैं आप, 30 रुपये में हर माल वाली सेल लगती है। और सबको ऐसा होता है ना, जहाँ सेल लगी होती है ना, कि कहीं ऐसा होता है 5 का हर माल, कहीं 10 का हर माल, 30 का, और सबसे ज़्यादा इंसान सबसे ज़्यादा पहले उस सेल में ही जाता है कि हाँ वहाँ पे क्या क्या सामान है। जैसे कि मैं भी जाती हूँ, मैं भी सबसे पहले अगर सेल दिखती है ना मेरे को, मैं सबसे पहले सेल में ही जाती हूँ कि वहाँ देखने के लिए कि वहाँ क्या क्या सामान है क्या नहीं है। अगर कुछ पसंद आता है तो ले लेती हूँ, वरना ये नहीं है कि हाँ लेना ही लेना है, ऐसा नहीं होता कि हाँ लेना ही लेना है, वरना अगर पसंद आता है तो हम ले लेते हैं सामान। और इसके बाद फिर हम इस साइड पर हमने सोचा मजार शरीफ के अंदर जाएंगे, लेकिन मजार शरीफ का गेट जो है वो बंद था क्योंकि हम आए थे 10 बजे के बाद आए थे, इस वजह से मजार शरीफ का गेट जो है बंद था। तो हम दूसरे दिन आएंगे तब हम मजार शरीफ के अंदर आएंगे। उसके बाद फिर हम आगे ही निकल गए थे घूमने के लिए, झूलों के साइड आए थे, झूले भी बंद थे। 2-3 दिन से ही बता रहे थे कि झूले बंद हैं, तो इस वजह से झूले की साइड ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और झूला झूलने को भी हमें नहीं मिला। फिर हम क्या करते हैं, हमने सोचा इसके लिए थोड़ा बहुत सामान ही ले लेते हैं। सामान में भी ऐसा होता ना, कितना लो कितना क्या लो क्या नहीं लो, बस ऐसे देखा। और इतने सारे झूले लगे थे, बच्चों के जो झूले थे वो तो चल रहे थे, लेकिन जो बड़े वाले झूले होते हैं ना वो नहीं चल रहे थे, सिर्फ बच्चों के झूले चल रहे थे। तो हमने थोड़ा बहुत, ये मैंने इयररिंग्स लिए थे, और ज़्यादा मुझे इयररिंग्स पसंद नहीं आ रहे थे, सिर्फ एक ही वाले अच्छे लगे थे, तो मैंने ये वाले इयररिंग्स ले लिए थे। आप लोग कैसे लगे तो आप ज़रूर कमेंट में बताना है आपको मेरे इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं। उसके बाद फिर हमने मोमोज़ खाए थे, और कुछ नहीं खाया था, खाली मोमो खाए और कुछ नहीं। मुझे मोमो खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, काफ़ी टाइम से मोमो खाने का दिल कर रहा था, इस वजह से मोमो मैंने खाए थे। और मोमो से भी ऐसा हुआ था, ज़्यादा फ्राई मोमो कर दिए थे, मुझे फ्राई मोमो खाने थे लेकिन फ्राई कुछ ज़्यादा ही कर दिए, इस वजह से मोमो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए थे, जिस वजह से नहीं मेरा जो है। उसके बाद फिर हम घर आ गए थे, घर आके फिर हम जो है वो दूसरे दिन फिर जाएंगे हम मेले में। तो हम मजार शरीफ के अंदर जाएंगे, और ये दर लोग पीछे जो है वो फ़ोन चला रहा था। और ये दूसरा दिन है, दूसरे दिन सुबह उठ के हम सबसे पहले आए थे, जो हमारी खाला है उनके घर आ गए थे। तो यहाँ
सूट कटिंग कर ली थी, सिलाई के जो कपड़े थे उनको सिल ली थी खाला, और वो सिलाई के कपड़े सिलती हैं इसलिए उसने सिलाई के कपड़े सिल लिए। फिर हम जा रहे थे दूसरी खाला के वहाँ, और रास्ते में आए ये है जामा मस्जिद, पीलीभीत की जामा मस्जिद। अंदर मैं आज तक कभी नहीं गई, मैंने एक ब्लॉग में जो है वो आपको दिखाया था, पीलीभीत की मंगल बाज़ार वो यहीं पर लगती है, पीलीभीत की जामा मस्जिद के पास ही मंगल बाज़ार लगती है। लेकिन मैं मंगल बाज़ार भी इतनी बार आई लेकिन जामा मस्जिद के अंदर अभी तक नहीं गई हूँ। इंशाल्लाह जाऊँगी पक्का, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है जाना हो ही नहीं पाता है। और यहाँ हम जो है वो बैठे थे, इसके बाद हम जाएंगे खाला के वहाँ, जो ये मेरा फ़ोन देखे और ये नेल पेंट। खाला के घर के रास्ते में पड़ा था मेला, तो थोड़ा बहुत सामान ले लिया ये मैंने, घर के यूज़ वगैरह का सामान ये लिया था। और उसके बाद फिर हम जाएंगे बाजार शरीफ, बाजार शरीफ के बाद फिर हम खाला के वहाँ जाएंगे, क्योंकि वहाँ से फिर उल्टा तो हम दूसरे रास्ते से घर जाते हैं। इस वजह से हम जब इस रास्ते से जा रहे थे तो हम यहाँ से पहले हम मजार शरीफ के अंदर जाएंगे, उसके बाद फिर हम खाना के वहाँ जाएंगे। यहाँ चप्पलें जो है अपने सैंडल वगैरह जो है उतार दें, क्योंकि अगर दुकान जो रहती हैं मजार शरीफ के बाहर चादरों के, उनके पास ही हमने चप्पल उतार दी थी, उनसे कह दिया था कि जहाँ हम चप्पल उतार रहे हैं अपनी, उसके बाद हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं बाहर, क्योंकि हम ऐसे अगर अपनी चप्पल जो उतार देना तो आप सबको पता है ऐसे चप्पलें काफ़ी ज़्यादा गायब हो जाती हैं लोगों की, अगर ऐसे उतार के चले जाए काफ़ी ज़्यादा लोग की चप्पलें गायब हो जाती हैं। इस वजह से किसी से कह दो या अपना किसी मेंबर को खड़ा कर दो तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। तो ये मजार शरीफ के अंदर आते, मजार शरीफ के अंदर आके तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है इंसान को। और यह है शाहजी मियाँ का मजार शरीफ, शायद मैं पहली बार आप लोगों को शादी में का मजार शरीफ दिखा रही हूँ, पता नहीं है, पहले भी मैं अपनी वीडियो में दिखा चुकी होंगी, मैं पहले भी आई हूँ क्योंकि। और यहाँ दूसरी साइड ये है नमाज़ पढ़ने के लिए, जो लोग भी आते हैं बाहर से काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं नमाज वमाज पढ़ने के लिए, उनका साइड में है, तो आप लोग पूरा ब्लॉग मेरा ज़रूर देखें। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें कि आपको ब्लॉग कैसा लगा है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लगने लगी थी, इसलिए मैंने थोड़ा अपने मुंह से जो है वो जो नकाब होता है उसको नीचे कर दिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लगी थी। मजार शरीफ से होने के बाद हम गए थे खाला के वहाँ, खाला के मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम। और ये दूसरा दिन है ईद वाला दिन, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद वाला दिन है ईद, इस बार हमने अपने मामू के वहाँ ही बनाई, अपने ननसाल में बनाई, और ये सिवैया और दही फुलके हैं। सुबह का जो है सुबह सुबह का दे टाइम है ये, सबसे पहले नाश्ते में हमने जो है वो दही फुलके ही मैंने खा ली थी। और ये इस बार बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम मैंने जो है वो रमजान में अपने जो है वो ईद बनाई थी। उधर अम्मी और खाला जो है आपस में बातें कर रहे थे, वैसे भी बातें कहाँ कम होती हैं कभी भी। और यहाँ रेडी हो गए थे हम, रेडी भी क्या, रेडी होने के बहुत देर बाद मैंने ब्लॉग शूट करा था, जब आधा घूम के आ गई थी मैं, उसके बाद मैंने ब्लॉग बनाया था ये थोड़ा सा। उसके बाद फिर ये मामू ने जो है वो कुर्बानी करवाई थी, तो उसके बाद ये लोग जो है वो खाला लोग हमारे ये सब लोग हिस्से बनाने में रोटियाँ काटने में लगे थे, और हमें कहा हम बांटने में लगे थे, हम लोग सबके घर जो है वो बांटने गए थे, मैं और जनैन जो है वो हम सब मामू की लड़की जनैन, हम दोनों जो है वो सबके घर बांटने गए थे। और ये खाला अपनी मेहंदी दिखा रही है, ये जनैन ने खाला के और अम्मी के हाथ में जो है वो मेहंदी लगाई थी, वो मेहंदी दिखा रहे हैं ये लोग आपस में कि किसकी ज़्यादा रची है। और ये है, और उसके बाद फिर हम आए थे भाभी के वहाँ। नाम क्या है तुम्हारा? लग रहा है देख रहे शेर जैसी।
खराब है। नाम क्या रखा इसका? रोनी। क्या? रोनी। रोनी मारे पंजा नहीं मारेगा पंजा, वैसे सलाब लेकिन डर मुझे भी लगता है। मैं भी बात को देखूं।